हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं पॉइंटर की मदद से। और इस प्रोग्राम का नाम जो है वो है एनालाइजिंग ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक लाइन दी जाएगी या आपको एक लाइन इनपुट करना है बाई एग्जामिनिंग ईच ऑफ द करेक्टर एंड डिटरमाइनिंग इन टू विच ऑफ सेवरल डिफरेंट कैटेगरी इट फॉल्स। मतलब किसी भी लाइन के सारे करेक्टर को एग्जामिन करना है और आपको फिर उसको डिफरेंट कैटेगरीज में किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है करेक्टर वो आपको शो करना है। ठीक है, कि उसमें जो है उस लाइन में कितने डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब ये हुआ कि कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, डिजिट्स हैं, वाइट स्पेस करेक्टर्स हैं, अदर करेक्टर जैसे पंक्चुएशन, ऑपरेटर, ब्रैकेट, ये सारा। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन ऑफ टेक्स्ट को आपको एनालाइज करना है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसको आप इजीली कर सकते हैं बाय रीडिंग इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, स्टोरिंग इट इनटू ए वन डायमेंशनल करेक्टर एरे एंड देन एनालाइजिंग द इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि लाइन को एक करेक्टर एरे में, एक सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे में स्टोर कर देंगे और उसके इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को फिर एग्जामिन करेंगे। और हर कैटेगरी के लिए हम एक अप्रोप्रिएट काउंटर सेट कर देंगे एंड द वैल्यू ऑफ ईच काउंटर, जैसे नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एट्सेट्रा कैन देन बी रिटेन आउट आफ्टर ऑल द करेक्टर्स हैव बिन एनालाइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इस आई होप कि आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने डिजिट हैं, कितने वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, कितने अदर कैरेक्टर जैसे पंक्चुएशन मार्क्स एट्सेट्रा, ये हैं। इस चीज़ का आपको सी प्रोग्राम बनाना है एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सी प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम जो सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट हम सिंबल्स जो यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, वो आप ये समझ लीजिए, सिंबल्स जो हम यूज करेंगे जैसे लाइन, ठीक है, लाइन हम यूज करेंगे किसके लिए, एन 80 एलिमेंट करेक्टर अरे कंटेनिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम यूज करेंगे वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स किसके लिए, एन इंटीजर काउंटर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो जो इंटीजर काउंटर वॉवेल्स के लिए यूज होगा उसको हमने रख दिया वॉवेल्स। फिर हमने लिखा कॉन्सोनेंट्स, ये हमने लिखा कॉन्सोनेंट्स, ये क्या करेगा, ये भी एक इंटीजर काउंटर होगा, एन इंटीजर काउंटर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद फिर डिजिट्स, डिजिट्स एन इंटीजर काउंटर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर हमने कहा वाइट स्पेस, तो इसको हमने ऐसे लिखा वाइट और SPC इतने पे छोड़ दिया वाइट स्पेस। ये क्या होगा, ये एन इंटीजर काउंटर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, ब्लैंक स्पेसेस और टैब्स। उसके बाद अदर में ये एक इंटीजर काउंटर होगा इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। तो इस तरह से हर एक अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमने ये काउंटर यूज करेंगे हम, कौन कौन से, लाइन, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, डिजिट्स, वाइट स्पेस, वाइट SPC जो हमने लिखा, और अदर मतलब कि ऊपर की जिस भी कैटेगरी में जब कोई करेक्टर नहीं आएगा तो उसको हम अदर में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अब हम प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। वी विल स्ट्रक्चर द प्रोग्राम सो दैट द लाइन ऑफ टेक्स्ट इज रेड इन टू द मेन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड देन पास्ड टू ए फंक्शन वेयर इट विल बी एनालाइज्ड। द फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ ईच काउंटर आफ्टर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स हैव बीन एनालाइज्ड। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस विल देन बी डिस्प्लेड फ्रॉम द मेन पोर्शन। यानी मेन पोर्शन में हम लाइन ऑफ टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, उसको फिर पास करेंगे फंक्शन को,
जहां पे इसकी एनालिसिस होगी इस लाइन की, एंड द फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ ईच काउंटर आफ्टर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स हैव बीन एनालाइज्ड. द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस विल देन बी डिस्प्लेड फ्रॉम द मेन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम. तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है. अब इसमें क्या होगा कि देखिए, द एक्चुअल एनालिसिस कैन बी कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग ए लूप टू एग्जामिन ईच ऑफ द कैरेक्टर्स. विद इन द लूप वी फर्स्ट कन्वर्ट ईच कैरेक्टर दैट इज ए लेटर टू अपर केस. दिस अवॉइड्स अ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स. वी कैन देन कैटेगराइज द कैरेक्टर यूजिंग ए नेस्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. वंस द प्रॉपर कैटेगरी हैज बीन आइडेंटिफाइड द करस्पॉन्डिंग काउंटर इज इंक्रीमेंटेड एंड द एंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर /0 हैज बीन फाउंड. क्लियर. तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को डेवलप करना शुरू करेंगे. अब मान लीजिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं. तो सपोज कीजिए हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से हमने लिखा से यहाँ पे हमने लिखा प्रोग्राम, ठीक. अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कमेंट लाइन लिख दी कि किस चीज का प्रोग्राम है, ठीक है. तो हमने लिखा काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स कॉमा कॉन्सोनेंट्स कॉमा डिजिट्स कॉमा वाइट स्पेस कैरेक्टर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट. एक टेक्स्ट लाइन में हमको ये सब अलग अलग करके आइडेंटिफाई करना है, कितने डिजिट है, कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वाइट स्पेस करेक्टर है, ये सारी चीजें. अब इसके बाद क्या किया हमने, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया. तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, ठीक. उसके बाद हमने इंक्लूड किया इंक्लूड ctype.h. ये दोनों हेडर फाइल्स हम इंक्लूड कर लेंगे. अब इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं. तो फंक्शन प्रोटोटाइप हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ आपको कमेंट लाइन में पहले लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप. ठीक है. अब फंक्शन प्रोटोटाइप आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए आपने फंक्शन का नाम रखा है स्कैन लाइन. तो आपने लिखा void scan underscore line. ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन का नाम. अब इसके जो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट में सबसे पहले आपने कैरेक्टर टाइप एरे कैरेक्टर लाइन ये पास किया इसको, कॉमा इंटीजर पीवी कॉमा इंटीजर पीसी कॉमा इंटीजर पीडी कॉमा इंटीजर पीडब्ल्यू और इंटीजर पीओ अदर्स के लिए. ये हो गया. इस तरह से आपने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया. अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप मेन फंक्शन शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे मेन. मेन में कैरेक्टर लाइन 80, ठीक है. फिर इंटीजर वॉवेल्स इक्वल टू 0, इंटीजर वॉवेल्स इक्वल टू 0. फिर इंटीजर कॉन्सोनेंट्स, इंटीजर कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू 0.
फिर इंटीजर डिजिट्स, इंटीजर डिजिट्स इक्वल टू जीरो, सारे काउंटर को आप डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज कर दे रहे हैं जीरो, इंटीजर वाइट स्पेस, वाइट स्पेस इक्वल टू जीरो। फिर हो गया इंटीजर अदर, इंटीजर अदर, ये सारे आपने क्या किया, आपने काउंटर को डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया सबको जीरो। अब देखिए इसको चाहे तो हम आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कमेंट लाइन में, कि देखिए कमेंट लाइन हम इसीलिए अलग कलर से लिख दे रहे हैं। ये हो गया लाइन ऑफ टेक्स्ट, फिर ये हो गया वॉवेल काउंटर, फिर ये हो गया कॉन्सोनेंट काउंटर, ये हो गया डिजिट काउंटर, फिर ये हो गया व्हाइट स्पेस काउंटर, व्हाइट स्पेस काउंटर, व्हाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेसेस या टैब, और फिर बाकी इन सब के अलावा जो कुछ बचा तो हमने यहाँ लिख दिया रिमेनिंग करेक्टर काउंटर, जो इनमें किसी में से नहीं आया वो यहाँ आ जाएगा रिमेनिंग करेक्टर काउंटर। ठीक, तो ये आपने सारे काउंटर डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, तो हमने ये प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ एंटर ए लाइन, एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को हमने यहाँ पे एंटर कराना है, तो स्कैन एफ किया हमने, स्कैन एफ यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज, और इसके अंदर हमने दे दिया स्लैश एन। ठीक है, ये बंद करके यहाँ पे कोट्स क्लोज कॉमा लाइन, ये हमने लाइन एंटर करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा, वर्ड स्कैन, जो हमने जो स्कैन लाइन फंक्शन डिक्लेयर किया था, तो यहाँ हमने स्कैन लाइन फंक्शन कॉल किया, और इसके आर्गुमेंट कौन कौन से दिए, हमने लाइन दिया, फिर एम्परसेंट वॉवेल्स, फिर एम्परसेंट कॉन्सोनेंट्स, फिर हो गया आपका एम्परसेंट डिजिट्स, फिर हो गया वाइट स्पेस, फिर हो गया आपका अदर। ठीक, अब इसके बाद हम इसको रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर ऑफ वॉवेल्स, परसेंटेज डी कोट्स क्लोज कॉमा, यहाँ आ जाएगा वॉवेल्स, फिर प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, फिर यहां आ गया कॉन्सोनेंट्स प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ डिजिट, तो यहां हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर ऑफ डिजिट्स,
यहाँ हम लिख देंगे डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद आपका भी वाइट स्पेस और अदर रह गया, तो फिर आप ये लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर ऑफ वाइट स्पेस करेक्टर, तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट स्पेस करेक्टर्स, ठीक है। फिर आपने यहां पे दिया परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा वाइट स्पेस एस पी सी, ठीक। और फिर लास्ट में आपका अदर्स वाला रह गया, तो वो भी प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर ऑफ अदर करेक्टर, अदर करेक्टर्स, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर में फिर कॉलन लगा के परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा अदर, ठीक है। और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो स्कैन लाइन फंक्शन के अंदर होनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फंक्शन लिखना शुरू करेंगे। तो हमने लिखा void स्कैन लाइन, स्कैन लाइन, यहां हमने लिखा करेक्टर लाइन, फिर इंटीजर पीवी, फिर इंटीजर पीसी, फिर इंटीजर पीडी, फिर हो गया इंटीजर पीडब्ल्यू, और फिर हो गया इंटीजर पीओ। ये सारे पॉइंटर अवेलेबल है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने कमेंट लाइन में आपको समझाने के लिए लिख दिया कि एनालाइज द कैरेक्टर्स इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ हम एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज ए करेक्टर या ए की बजाय दी करेक्टर, जो भी करेक्टर हम पिक करेंगे, तो एनालाइज द करेक्टर इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, यहां पे हम एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे, ये बॉडी शुरू की हमने फंक्शन की, यहां हमने लिखा करेक्टर सी, ठीक है। अब ये क्या है, ये है अपर केस करेक्टर, तो यहां हमने लिख दिया अपर केस करेक्टर, ठीक। फिर हमने लिखा इंटीजर काउंट इक्वल टू, इंटीजर काउंट इक्वल टू जीरो, ये हो गया करेक्टर काउंटर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको आप देखते चलिए, इसमें हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक साथ ही काम हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे वाइल सी इज इक्वल टू टू अपर, सी इज इक्वल टू टू अपर लाइन काउंट, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो, मतलब लास्ट जब तक नहीं आया था, तो इज नॉट इक्वल टू कोट्स में स्लैश जीरो, ये स्ट्रिंग के एंड का टर्मिनेशन का है करेक्टर। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, तो वाइल की बॉडी में आप लिखिए इफ सी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू
ई और सी इक्वल टू आई ए आई ओ यू, फिर हम लिखेंगे और सी इक्वल टू ओ और सी इक्वल टू यू, ये हमने पांचों वॉवेल यहां पे ले लिया। ठीक है, अगर सी इक्वल टू ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है तो पॉइंटर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने कहा प्लस प्लस और पॉइंटर पीवी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया इस तरह, यानी वॉवेल जो है हमारा वो इंक्रीमेंट हो गया, पता चल गया ये वाला करेक्टर वॉवेल है। ठीक, ये तो हुआ एफ। इफ एल्स मतलब अगर ये केस नहीं है तो फिर हम इफ कंडीशन लगाते हैं। अब इसमें हमने लिखा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी इज लेस देन इक्वल टू जेड अगर ए से जेड के बीच में है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो हमने कर दिया प्लस प्लस पी सी, मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये आपका करेक्टर जो है वो कॉन्सोनेंट आ गया, समझ रहे हैं। अगर ये केस भी नहीं है तो फिर हमने कहा एल्स। चलिए अगले पेज पे करते हैं। अगर ये केस भी नहीं है तो फिर हमने कहा कि एल्स इफ, अब हमें डिजिट चेक करना है, तो हमने कहा इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सी इज लेस देन इक्वल टू नाइन। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस प्लस स्टार पी डी, डिजिट वाले काउंटर को बढ़ा देंगे और ये हमने लिख दिया डिजिट। ठीक, अच्छा फिर हमने कहा एल्स, अगर ये केस भी नहीं है तो फिर हमने लगाया एल्स इफ सी इक्वल टू सी इक्वल टू ब्लैंक स्पेस और सी इक्वल टू टैब मतलब स्लैश टी, ऐसे अगर ये है तो क्या करना है हमको, वाइट स्पेस करेक्टर यानी प्लस प्लस पी डब्ल्यू कर देना है, यानी इससे क्या हो गया, वाइट स्पेस करेक्टर पता चल गया, वाइट स्पेस। ठीक, और ये भी नहीं है तो जब ऊपर में से कोई कैटेगरी नहीं है तो फिर आप लिखिए एल्स, उसको अदर्स में डाल देना है, तो अब फिर एल्स में प्लस प्लस स्टार पीओ ये करना है हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अदर। ठीक, ये करना है और ये एक करेक्टर के लिए सारा काम करना है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस प्लस काउंट, यानी अब दूसरा करेक्टर उठाएगा फिर यही काम होगा, तीसरा उठाएगा फिर यही होगा, तब कब तक होगा, जब तक उसको स्लैश जीरो लास्ट में नहीं मिल जाता है। और ये काम करने के बाद ये रिटर्न कर देगा सारी वैल्यूज जो आई हैं किसको, मेन प्रोग्राम को। ठीक, और यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो फंक्शन, देखिए इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर स्कैन लाइन दैट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इन पर्टिकुलर नोटिस द यूज ऑफ वॉइड डाटा टाइप एंड द मैनर इन विच द आर्गुमेंट डाटा टाइप आर स्पेसिफाइड। तो जब आप इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। मान लीजिए से अब हमने कहा कि हम इसीलिए इसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं आके, एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो आपको मैं एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ ताकि आप
मिला सके कि आपका प्रोग्राम सही बना है कि नहीं से एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम वी विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब आउटपुट क्या मिलेगा? जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो पहली लाइन है प्रोग्राम की वो क्या डिस्प्ले होगी, दूसरी क्या डिस्प्ले होगी, वो आप देखते जाइए जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे। इसीलिए मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैसेज आएगा, एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे लाइन ऑफ टेक्स्ट। हमारी लाइन ऑफ टेक्स्ट हमने एंटर किया कि पर्सनल कंप्यूटर्स विद मेमोरीज इन एक्सेस ऑफ 4096 KB आर नॉट क्वाइट कॉमन। चलिए हमने जो लाइन एंटर की है वो हम आपको लिख दे रहे हैं। हमने एंटर किया है पर्सनल कंप्यूटर्स विद मेमोरीज इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ 4096 KB KB आर नाउ क्वाइट कॉमन। तो चाहे ही ले सकते हैं, चाहे अगली लाइन में आप लिख दीजिए आर नाउ क्वाइट कॉमन और ये फुल स्टॉप। अब ये देखिए, ये आपने लाइन जो है पूरी एंटर की है कीबोर्ड से। ये जो हमने अंडरलाइन आपको दिखा रहा है, मतलब दीज कैरेक्टर्स हैव बीन एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, ये लाइन हमने एंटर कर दी। अब जो आउटपुट हमको मिलेगा, देखिए वो आउटपुट हमको ऐसे मिलेगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स 23, जिसको आप मिला लीजिएगा इस प्रोग्राम को रन करा के। फिर और एक दो लाइन आप अपनी तरफ से भी कोई भी डाल के रन कराइए कि देखिए प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ये आ जाएगा 35, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, देखिए 4096 यही चार है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा चार आ रहा होगा। फिर नंबर ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बीच में जो व्हाइट स्पेस करेक्टर है वो है 12। और नंबर ऑफ अदर करेक्टर, तो अदर करेक्टर में केवल ये फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ अदर करेक्टर्स ये आएगा 1। तो जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो इस तरह से आपको प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है, और इस प्रोग्राम को आप अपने तरफ से लाइन एंटर कीजिए, उसमें देखिए देख लीजिए कितने वॉवल हैं, कितने कॉन्स्टेंट हैं, कितने अदर, और आप चेक कीजिए कि आपका जो प्रोग्राम बना है वो सही बना है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम करने में अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।